मेरे प्रियो कभी आपने सेब को खाया है <laughs> आप पूछ रहे होंगे बड़ा अजीब सा प्रश्न है भाई सेब कौन नहीं खाता है है ना हम सब एप्पल का सेवन सेवन करते हैं बहुत अच्छा लगता है एप्पल या सेब बहुत अच्छा हेल्दी फूड है फ्रूट है और आजकल जब हम बाज़ार में जाते हैं तो ठेलों में दुकानों में देखते हैं लाल लाल सेब और बड़ा आकर्षित करता अट्रैक्शन करता भाई ये मीठा होगा और दुकान वाले से पूछिए तो बोलेंगे साहब मिश्री है मिश्री मीठा है बिल्कुल काट के दिखाऊं और हम उसको घर ले आते हैं एक दो बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ मैंने उस सेब को बाहर से अच्छा हुआ देखते हुए घर ले आया और जब उसको काटा तो आप विश्वास नहीं करेंगे उसके अंदर कीड़ा था जी हाँ कीड़ा अब अगर उसको मैं काटता नहीं और ऐसे ही मैं चबा के खा लेता तो आप समझ रहे होंगे मेरे मुंह में क्या हालत होती होगी और आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ यार बहुत अजीब सा लगता क्यों क्योंकि उसके अंदर कीड़ा था और वो कीड़ा शायद जैसी फूल वो सेब का फूल आया होगा उसके अंदर कीड़ा गया वो कभी बाहर ही नहीं निकला और सेब बन गया और हम बाहर से तो उसको अच्छा देखते हैं लेकिन अंदर उसके अंदर जख्म हो गया कीड़ा आ गया सड़ रहा है और हो सकता है उससे हमारी शारीरिक हानि भी हो सकती है पॉइजन भी हो सकता है मुझे याद है कि साल पहले एक पेड़ हमारे घर के सामने था बहुत अच्छा हेल्दी था बहुत अच्छा था तो हमारे बाजू वालों ने बोला पड़ोसी ने बोला कि भाई ऐसा है ये पेड़ आधा आप ले लो आधा हम ले लें हम इसको काट लेते हैं क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहा है तो हमने बोला ठीक है फिर बाद में मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बात आई नहीं अभी मेरे को लकड़ी की तो ज़रूरत नहीं है मैंने बोला भाई साहब माफ़ करना मैं नहीं लूँगा बोला कोई बात नहीं उन्होंने पूरा पेड़ ख़रीद लिया और उसके बाद जब काटा पेड़ की टहनी से मतलब नीचे जो तना होता है जिसको कहते मतलब हैं ट्रंक तो पूरा का पूरा खोखला निकला सड़ा हुआ था अंदर से यह मेरी मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ बाहर से बहुत अच्छा अब आप सोच रहे होंगे भाई क्या बात है आज ये सब उदाहरण क्यों दे रहे हैं मैं उसका कारण है उसका कारण है कि क्यों मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ सेब के अंदर कीड़ा आजकल जब लॉकडाउन चल रहा है और ज्यादातर लोग नेट uh, में ज़्यादा बिजी हैं काम भी घर से ही हो रहा है इंटरनेट से स्कूल कॉलेज ऑफिस सब नेट से हो रहा है तो uh, इस नेट में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं है शायद क्या है मैं पक्की रीति से कह रहा हूँ कई ऐसे ऐसे साइट्स हैं विशेष करके फेसबुक बहुत अच्छा एक uh, स्थान है जहाँ पर हम और आप जा सकते हैं और अपने दोस्तों से रिलेटिव से मिल सकते हैं और बड़ा अच्छा माध्यम है ये बहुत अच्छा टेक्निकल माध्यम है ये फेसबुक जिसके द्वारा बहुत सारी बहुत अच्छी बातें इसमें से निकलती है और मैंने भी अभी कुछ समय पहले फेसबुक मैंने भी अपना अकाउंट बनाया क्योंकि मुझे कुछ परमेश्वर का वचन देना था किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने तो फेसबुक के द्वारा हमने किया बहुत अच्छा और बहुत लोगों ने बहुत और भी लोग करते हैं उसमें आपने देखा होगा अगर आप फेसबुक में जाइए तो क्रिश्चियन एक्टिविटी एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई है बाढ़ सी जो मैं सोचता हूँ बहुत ही अच्छी बात है ताकि परमेश्वर का वचन जितना हो सके गानों के द्वारा वचनों के द्वारा गवाहियों के द्वारा जा सके और मुझे इतनी खुशी हुई देख करके कि ये कैसे परमेश्वर का वचन जा रहा मैं अगर फेसबुक में नहीं जाता तो मुझे ये पता नहीं पड़ता मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कहीं आराधना हो रही कहीं कोई गवाही दे रहा कहीं कोई परमेश्वर का वचन सुना रहा हमारे भारतवर्ष में ही और परमेश्वर का धन्यवाद हो इन लोगों के लिए जो अपना समय दे करके लोगों तक पहुँचाते हैं ये तो बात हुई आ, मसीही कॉन्टेंट की या विश्वासियों की बात कि वचनों की, की बात किस प्रकार से परमेश्वर का वचन जाते फिर दूसरा एक और पहलू है वो है न्यूज़ आर्टिकल्स जो क्रिश्चियन तो नहीं है लेकिन तरह तरह के न्यूज़ और आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगा जो आपको साधारण टीवी में आपको शायद न देखने को मिले कुछ ऐसे न्यूज़ और मैंने जब उसको और देखना शुरू किया तो अरे साहब मैंने बोला अरे रे फिर मैंने देखा और ऐसे ऐसे उसमें कंटेंट थे ऐसे ऐसे उसमें चीज़ें थी मेरा मन थोड़ा सा खट्टा होने लगा मैं अपनी बात बता रहा हूँ मैं अपनी बात बता रहा हूं। क्यों उसका कारण भी मैं बताऊँ क्योंकि जैसे जैसे मैं और न्यूज़ देखता गया और अलग अलग जो तरह तरह के लोग डालते गए मैं क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूँ दूसरे जो अन जो न्यूज़ आता है हमारे देश का विदेश का ये सब चैनल्स तो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आने लगी और ये किसी ने ये वाला वा, वीडियो डाला जो ठीक नहीं था मतलब अच्छा नहीं था देखने में और ऐसे कई प्रकार की चीज़ें मेरा मन एकदम से मतलब अंदर से ठीक नहीं लगा और पवित्र आत्मा ने कहा ये 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 ठीक नहीं है और फिर मैंने उसको डिलीट करना शुरू किया ये इस प्रकार के नकारात्मक और गंदे चित्र घृणा ज़्यादातर इसमें कभी कभी ऐसे ऐसे न्यूज़ बताए जो घृणा को पैदा करते हैं जो क्रोध को पैदा करते हैं अश्लीलता की बात आ जाती है अब क्या होता है कि ये धीरे धीरे स्लिपेज होने लगता है प्यारों होने लगता है अरे भाई देख रहे हैं क्या हो रहा दुनिया में नहीं अच्छी बात है देखिए लेकिन क्या होता है कि अगर आप आम का पेड़ बोएंगे तो साथ साथ ऊँट कटारे और काटे भी आएंगे वो घास जंगली घास जिसको आपने बोया भी नहीं है उसी प्रकार से जब हम इस प्रकार के उसमें जब चलते चले जाते हैं देखते चले जाते हैं सुनते चले जाते हैं गालियाँ गलौज अरे साहब मैं तो सुन नहीं सका इतनी भयंकर भयंकर चीज़ें उसमें आने लगी फेसबुक बहुत अच्छा है लेकिन एक व्यक्ति को एक विश्वासी को बहुत अपने आप को कंट्रोल में रखना है कि हम क्या सुन रहे हैं हम क्या देख रहे हैं तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं दो बातें आपके सामने रखना मांगता हूँ क्योंकि ये आजकल के ज़माने में विशेष करके पिछले तीन चार महीनों में ये बहुत हो रहा है पहली बात जो भी वचन लोग देते हैं या आराधना होती है पुलपिट से प्रचार होता है हमें ये देखना है कि क्या ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है ये बहुत ज़रूरी है अब कई प्रकार के लोग आते हैं कई अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग आते हैं अलग अलग उनकी रीति रिवाज़ होती हैं विश्वासी जीवन के बारे में हमें आपको ये देखना है ये ज़रूर से कि क्या ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है या नहीं या सिर्फ ऐसी इमोशन में होकर के कुछ भी प्रीच करने लगे कोई स्टोरी बताने लगे हो सकता है सुनने में बहुत अच्छा लगता हो अरे वाह बहुत अच्छी गवाही लेकिन उसमें कोई परमेश्वर का वचन नहीं कभी कभी होता है मैं नहीं बोल रहा सब बार ऐसा होता है लेकिन कुछ कुछ मैंने ऐसे देखे वेबसाइट फेसबुक में जो अपने अपने दे रहे थे जिसमें से भावना को लेकर के बस आगे बढ़ रहे हैं आपको और मुझको चेक करना है क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं हर चीज़ को नहीं लेना है जी हाँ हर चीज़ को नहीं लेना है और हमें इसके लिए परमेश्वर का वचन साफ़ रीति से कहता है कि चेक करना है क्या ये परमेश्वर का वचन है या कुछ और ही आ रहा मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका सत्रहवा अध्याय प्रेरितों के काम उसका सत्रहवा अध्याय और ग्यारह पद जब पौलुस प्रेरित परमेश्वर का वचन जगह जगह सुनाया तो जो थेस्लोनिकी के लोग थे उन्होंने ऐसे ही नहीं परमेश्वर का बचन पौलुस से लिया क्योंकि पौलुस तो बड़ा भारी माना हुआ प्रचारक था और बहुत अच्छा बोलता था परमेश्वर का वचन लेकिन थेसलोनिके के लोग वो बोले कि भाई हमें चेक करना है कि ये पॉलिस जो आ रहा है नहीं डॉक्ट्रिन नई टीचिंग दे रहा है क्या वचन के आधार पर है बहुत अच्छी बात है परमेश्वर का वचन लेकिन क्या वचन के आधार पर है बाइबल के अनुसार है जो टीचिंग मैं पढ़ूंगा सत्रह ग्यारह प्रेरितों के आम ये लोग तो थेस्लोनिके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी है ही कि नहीं ये देखिए वो चेक करते थे कि क्या ये जो प्रचार कर रहे हैं वचन दे रहे हैं क्या ये परमेश्वर के वचन के आधार पर हैं, अपनी कहानियां बता रहे हैं अपनी स्टोरीज जो अनुभव से हुआ और वचन नहीं है हमें होशियार रहना मेरे प्रियो आपको मैं आपको यहाँ पर वचन दे रहा हूँ आज इस YouTube के माध्यम से खटारे कम्युनिकेट्स के माध्यम से आपको चेक करना है कि भाई ये जो बता रहे हैं क्या वचन के आधार पर है अगर नहीं आप नहीं सोचते हैं तो आप मत सुनिए लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन सही रूप से सही सटीक रूप से आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये मेरे लिए और आपके लिए भी एक चुनौती का कारण आशीष का कारण बना रहे ये बहुत जरूरी है मेरे प्रयोग ठीक है तो ये बात जरूर देखे क्या इसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है जो भी वचन या आराधना या जो भी होती है क्या इसमें पवित्र आत्मा की भरपूरी है क्या इसमें क्रूस का जिक्र है क्रूस के कथा है क्या ये बाइबल के वचन के आधार पर है उद्धार की बात कहाँ पर है मसीह जीवन के बारे में क्या लिखा हुआ है कभी कभी लोग क्या करते हैं अपने बारे में बोलते रहते हैं अपने बारे में अरे साहब आपको अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं है प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो चेला था क्या था उसने क्या कहा प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं यही आपको और मेरे को करना है कि प्रभु की महिमा हो और मैं घटूं तो हमें होशियार रहना है जो बाढ़ आई हुई है आत्मिक जागृति की अगर हम देखें क्या इसमें परमेश्वर का वचन है या कुछ और भी दूसरी मिलावट है कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं और हम लोग विश्वासी सोचते हैं अरे भाई वचन से बोल रहा चलो अच्छा ही होगा ज़रूरी नहीं है आप चेक करिए पूछिए अपने लोगों से क्या ये जो बोल रहा है बोल रही है क्या ये सही है एक तो ये बात हुई दूसरी बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो फेसबुक में न्यूज़ देखते हैं या कुछ वीडियो देखते हैं होशियार रही है मैं अपने विश्वासी भाई बहनों से बोलूँगा कि आप क्या देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं क्या घृणा फैला रही है या हमारे देश के विरोध के विरोध में कोई बातें हो रही हैं उल्टी सीधी बातें बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं मैंने उसके बाद से जब ये सब बातें देखनी शुरू किया मैंने एकदम से सब डिलीट किया मैंने बोला ना बाबा बल्कि मैंने फेसबुक को कुछ समय के लिए डिसेबल भी कर दिया जी हाँ ये करना है कि मेरे कंप्यूटर में मेरे मोबाइल में इस प्रकार की चीज़ें उश्लीलता वाली क्रोध वाली घृणा वाली बात नहीं आनी चाहिए वहाँ तो प्रेम की बात होना चाहिए तो आपको और मुझको ये बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार का कंटेंट आप देख रहे हैं किस प्रकार का न्यूज़ देख रहे हैं मैं नहीं बोल रहा कि आप ना देखें फेसबुक में लेकिन देखिए लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये सही है क्या सही है क्या गलत है क्या मुझे आ, ये ये न्यूज़ देखना चाहिए जिसमें चिल्लाना और एक दूसरे के प्रति विरोध ऐसा प्रकट करना घृणा फैलाना नहीं 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 हम मसीहों को एक दूसरे के साथ प्रेम में जोड़ना है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप उसको निकाल दीजिए मैंने तो निकाल दिया भैया और मैं आपको यही बात बताना मांगता हूँ परमेश्वर के वचन के आधार पर कि हम इन बातों की ओराना दें क्योंकि हमारा फिर मन जो है ना मन वो वो उसमें जहर ब फैलता जाएगा और भी देख इच्छा होगी देखने की अरे आगे क्या है अरे देखो इसने ये बोला और फिर जाकर के दूसरों को पता।, पता उसने क्या कहा अरे आपको और मुझसे इससे क्या मतलब है भाई हाँ जो बेसिक न्यूज़ है अच्छी न्यूज़ है जो हो रहा अच्छी न्यूज़ का मतलब जो है जो होता है वो वो हमें जानना जरूरी लेकिन पर्सनल व्यक्तिगत रूप से जो लोग बोलते हैं हमें इन चीज़ों से परे रहना है आजकल टेलीविज़न में भी ऐसी बातें आ रही लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल नेट में ज़्यादा अपना ध्यान देते हैं तो इसलिए मैं नेट की बात आपके सामने कर रहा हूँ ठीक है इसके लिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब सेब को काटते हैं तो वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए उसमें कीड़ा नहीं लगना चाहिए जब हम फेसबुक या दूसरे और ऐसे वेबसाइट जाते हैं तो अच्छी बातों को देखें सही बातों को देखें जिससे कि हम इंटेलेक्चुअली इमोशनली भावनात्मक रूप से मानसिक रूप से आत्मिक रूप से हमारी क्या हो जाए बढ़ोतरी हो जाए तब तो बात बनती है तो नहीं तो पता पड़ा कि सेब के साथ साथ कीड़ा भी अंदर चला गया और हमारे लिए आत्मिक जीवन के लिए ये हानिकारक भी हो सकता है विशेष करके हमारे नौजवान भाई बहन आप लोग थोड़ा होशियार रहिए क्योंकि ये हमारा जो अंगूठा है ना ऊपर नीचे चलता रहेगा उंगली ये जो मोबाइल के ऊपर चलता रहेगा और आपको और मुझको ये देखना क्या आपकी आँखों से पास हो रहा है उल्टी सीधी चीज़ें कहीं रुकना नहीं है बेमेन चीज़ें आप देखिए लेकिन परमेश्वर की आत्मा से पूछिए क्या ये मेरे लिए ठीक है ये बहुत ज़रूरी है मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूँगा ताकि आप ये देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है विशेष करके इस आ, इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे सामने हैं मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियो उसका चार अध्याय आठ पद फिलिपियों उसका चार अध्याय और आठ पद सुनिए क्या लिखा हुआ इसलिए भाईयों। भाईयों मतलब है इसलिए हे भाइयों भाइयों से मतलब बहनों से भी हैं इसलिए हे भाइयों जो जो बातें सत्य हैं जो जो बातें आदरणीय हैं जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं जो जो बातें सुहावनी है जो जो बातें मन भावनी है जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो जब आप फेसबुक में जाते हैं जब हम फेसबुक में जाते हैं और भी दूसरे ऐसे वेबसाइट होंगे जब उसमें न्यूज़ और वायरल वीडियो और ये सब देखते हैं तो उसके कंटेंट से उसके जो उसके अंदर जो दिया गया है न्यूज़ अगर ये बातें हमारे फिलिपियंस चार आठ के अनुसार है तब तो आप देखिए सत्य है सुहावनी है आदरणीय है पवित्र है मनभावनी है सद्गुण है ठीक है अगर ये नहीं है एकदम से आप डिलीट कर दीजिए भाई मैंने तो ऐसा ही किया परमेश्वर ने मेरी अगवाई किया अपने आप में नहीं कर सकता बड़ा अट्रैक्टिव था ना अट्रैक्टिव था बड़ा आकर्षित करने वाला होता है होशियार रही है भैया होशियार रहिए ये कीड़ा आ जाएगा अंदर और एक कीड़े नहीं कई कीड़े आ जाएंगे और जहर बन जाएगा हमारे मानसिकता के लिए है ना अच्छा और भी देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में पहला कुरंथियों उसका दसवां अध्याय और इकतीस पद पहला कुरंथियों उसका दसवां अध्याय और इकतीस पद इसलिए इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो <laughs> जो कुछ भी करो हुँ? कुछ देख रहे हैं सुन रहे हैं म्यूजिक सुन रहे हैं मूवी देख रहे हैं न्यूज देख रहे हैं या कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं जो कुछ भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो यह है साहब करो जो कुछ भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो अगर आप सोचते हैं कि इससे परमेश्वर की महिमा होगी देखिए म्यूजिक सुनी अगर नहीं होती वो आपका दिमाग ना आपका विवेक जो पवित्र आत्मा से गाइडेड होता है ऐसी आशा है मेरी कि परमेश्वर की आत्मा आपको कचोटी की नहीं 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 ये गलत जैसे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बिल्कुल कचोटा बोला नहीं ये क्या देख रहे हैं निकालो इसको एकदम से डिलीट कर दिया मैं मैं अपनी बात बता रहा हूँ कीड़ा आ गया था कीड़ा जी हाँ निकाल के फेंकना है तो जो कुछ भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा फिक्र करो। रोमियो उसका बारह अध्याय कुछ पद जो मैं आपके सामने ताकि मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने लाऊं दो 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 पद रोमियो उसका बारवा अध्याय और दो पद और इस संसार के समान न बनो अब आप जानते हैं संसार में क्या क्या हो रहा है मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं है परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा मालूम अनुभव से मालूम कर सको सो so, मेरे मन को हमेशा नया कर, करते रहना है है ना? और वो नया सिर्फ परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है जो भी मैं देख रही हूँ देख रहा हूँ आप देख रहे हैं देख रही हैं अगर इसमें आप सोचते हैं कि मेरे मेरी जो बुद्धि नहीं हो रही है मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए बिल्कुल सा लेकिन अगर वो उस इंफॉर्मेशन से मेरे बुद्धि में फिर से वो कीड़ा आ जाता है एकदम से निकाल के फेंक दे डिलीट और बोली यीशु मसीह के नाम में मैं इसको अलग करता हूं करती हूँ एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला तिमोथी चार सात पहला तिमोथी चार सात क्या लिखा हुआ है पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति में भक्ति में खुद को प्रशिक्षित कर ट्रेन योर सेल्फ टू बी ए गॉडली मैन जी हाँ है ना और अंत में आ, मैं यही आपसे कहूँगा मेरे प्रियो मेरे भाई बहनों ठीक है आप देखिए जो भी आप आ, आप सोचते हैं कि इन्फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए आ, तो वो देखिए लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो अश्लीलता से भरी है हेट से भरी भरी पड़ी हैं क्रोध से भरी पड़ी हैं व्यक्ति की अपनी बातें हैं उनसे अलग रही है और जहाँ तक हमारे क्रिश्चियन वर्शिप की बात है प्रीचिंग की बात है ये देखिए क्या है? ये परमेश्वर के वचन के आधार पर ये टीचिंग दी जा रही है अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन के आधार पर आप उसके साथ बोलिए बहुत अच्छा पढ़ाई बहुत अच्छा बहन और उसको इनकरेज भी आप कर सकते हैं तो आइए जब भी हम जाएं इन साइट्स uh, में अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप करके इन बातों में आगे बढ़ें